माइक लो चलो ये तो नमस्कार दोस्तों, एक बार सभी साथी जुड़ जाएं। इस वक्त की एक दुखद खबर आ रही है, मैं उस खबर से आपको रूबरू करवाऊंगा। बिपर जो तूफान का एक बार असर और बहुत ही दुखद खबर इस वक्त की, तूफान ने दो मासूम बच्चों की जान ले ली है बाड़मेर जिले में। एक बार इस वीडियो को शेयर करें, उसके बाद मैं पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा कि क्या पूरी खबर है, क्या पूरी जानकारी है। सभी साथी जुड़ जाएं, और उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से जो दो मासूम बच्चे हैं वो उन पर बिपर जो तूफान है उसका जो है कहर बरपा है। मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें जिसमें दो मासूम बच्चों के जो हैं शव ले जाए जा रहे हैं। तो अपने आप में एक दुखद खबर ये। जुड़े और जुड़ने के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पूरी की पूरी जानकारी पहुंचे। और भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरा अपडेट इससे जुड़ा दूंगा। और मैं चाहूँगा कि एक बार सभी साथी जुड़ जाएं। तस्वीरें कुछ और भी हम आपको दिखाएंगे, आप देखिए इन तस्वीरों में। ये पानी का तालाब, ये पानी से भरा तालाब है। पानी के तालाब में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हुई है। ये खबर आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है, इस खबर को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और इस खबर को सुनकर, ये जानकारी सुनकर सतर्क रहना भी ज़रूरी है। अब मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ये घटना कहाँ हुई है, बिपर जो तूफान ने कहाँ दो मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया है। 8 साल का मासूम कृपाल सिंह और 7 साल का मासूम खेत सिंह, दो आपस में चचेरे भाई, आज सुबह करीब 11 बजे बाड़मेर जिले के सेड़वा क्षेत्र के गंगासरा गांव में एक गौशाला बनी हुई है, बड़ी गौशाला, उसके पास एक पानी का गहरा गड्ढा था। और बिपर जो तूफान से जो लगातार पिछले कई घंटों से बाड़मेर में बारिश हुई, इसके कारण हर जगह पानी के गड्ढे भर गए और 5 बच्चे जो हैं वो वहाँ से जा रहे थे। इस दरमियान जो पानी का गड्ढा था उसमें 2 बच्चे वहाँ अंदर डूब गए और 3 जो बच्चे थे उन्होंने आसपास के घरों से रस्सियाँ लाकर उनको कोशिश की, क्योंकि वो 2-3 बच्चे थे वो डर गए थे, उन्होंने सोचा हम लोग निकाल देंगे। और इस दरमियान पास के लोगों ने उनको देख लिया, 2 घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय गोताखोरों ने उन मासूमों को बाहर निकाला। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, सब जो है वो मोर्चरी में रखवाए हैं, परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस खबर में बड़ी जानकारी, अहम जानकारी ये है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो इस बात को लेकर सचेत रहें, सावधान रहें, क्योंकि इस तूफान के बाद जो लगातार अतिवृष्टि हुई है पूरे ज़िले भर ही नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग जगहों पर, जब जहां ये बारिश हुई है वहां पर कई जगहों पर जो हैं वो जल भराव जैसी स्थिति हो चुकी है। जल बड़े बड़े जो गड्ढे हैं पानी से भर चुके हैं। ऐसे में अपने बच्चों का ध्यान रखें, गड्ढों से दूर रखें, क्योंकि आप देखिए 2 मासूम बच्चों की पानी के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है। अपने आप में दुखद खबर है। बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि किस तरीके से कृपाल सिंह और खेत सिंह जो चचेरे भाई हैं, एक की उम्र 8 साल, दूसरे की उम्र 7 साल, सेड़वा के गंगासरा गांव के रहने वाले हैं और गौशाला के पास एक गहरा गड्ढा बना हुआ था और आज सवेरे 5 बच्चे जो हैं वो खेलने के लिए वहाँ से गुजर रहे थे। इस दरमियान जैसे ही 2 बच्चे डूबे, 3 बच्चों ने पास के घरों में जाकर के रस्सी लेकर आए, उनको बाहर निकालने की खूब कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद बच्चे नहीं निकले और आसपास के लोगों पर पहुंचे और 2-3 घंटे तक लगातार मशक्कत करने के बाद स्थानीय गोताखोरों ने पानी के अंदर जाकर के
उन बच्चों को बाहर निकाला है। तो अपने आप में बहुत ही दुखद खबर, और विशेषकर बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि पानी जहाँ पर भरा हुआ इकट्ठा हुआ है, जल भराव वाले क्षेत्र हैं, उनसे बच्चों को थोड़ा दूर रखें, सावधान रहें, क्योंकि स्थिति इस प्रकार की बनी हुई है कि जिले भर में जहाँ जहाँ बारिश हुई है वहाँ पर जो है इस तूफान का कहर बरपा है। अपने आप में बहुत ही दुखद खबर है, और इसको लेकर हमारे दर्शक जो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, करीब 1000 से अधिक मित्र हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, मैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि किस तरीके से जो है ये अपने आप में एक दुखद खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, दो मासूम बच्चों की पानी के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है।